Hello children, today we are going to have the exercises based on the chapter My Diary. So children, I think last month we studied phrases, how we can form phrases, how we can use phrases and what are the phrases. So in that I told you that phrases are the group of words. Shabdon ke samuh ko hum phrase kehte hain. So here today we'll study the phrase that is based on look. So if you see these words, each word has a very common word is look, right? But each word is different from each other. Har word apne se dusre se bilkul different hai. Because of no these words, jo uske end pe lage hue hain, jinko hum conjunctions kehte hain. Because of these conjunctions, these phrases are different from each other, right? So the first word, if we see, look through means that to look something not very deeply, किसी चीज को बहुत ही roughly है, बहुत ही सरसरी निगाह से देख लेना, look through. Look for means किसी चीज की तलाश करना, किसी चीज को ढूंढना. Look up means खोजना किसी चीज़ को, नो टू सर्च फॉर समथिंग एंड टू इम्प्रूव समथिंग और टू गेट समथिंग, राइट. Look away means पीछे देखना या फिर पलट कर देखना. Look after means किसी की नो केयर करना, मतलब टेकिंग केयर ऑफ समवन. Look into किसी चीज़ की जांच पड़ताल बहुत अच्छे से करना. Look down upon means that to see someone with down eyes. It means किसी को inferiority के साथ देखना, किसी को नो नीचा दिखाना. And the last one is look out, यानी किसी चीज़ की ताक में रहना, सावधानी से कोई काम करना, right? So now if we see the first line, I need to, अब मीनिंग्स को हम क्या करते हैं, डिक्शनरी में ढूंढते हैं, खोजते हैं अच्छे से. सो वी लुक फॉर, सो हियर इट विल बी लुक फॉर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन अ डिक्शनरी. नाउ कम्स दे विल, नाउ डैश यू इफ यू डू नॉट टेल देम वेयर यू आर. नाउ इफ यू सी चिल्ड्रन, वो तुम्हारी तलाश करेंगे, तुम्हारे अगर तुम्हें उनके सामने नहीं आओगे, सो तुम्हारी ताक में रहेंगे, राइट. सो हियर इट विल बी लुक आउट. सॉरी, हियर इट विल बी लुक डाउन अपॉन. ठीक है, लुक डाउन अपॉन. सो दे विल लुक डाउन अपॉन, और तुमको नीचे निगाह से देखेंगे अगर तुम उनके सामने नहीं आए, जहाँ पर भी हो. द नेक्स्ट इज द अथॉरिटी लुक थ्रू पीपल हु कम विद लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस. सो जो अथॉरिटीज़ होती हैं, बहुत ही नो रफली चीज़ों को देखती हैं, जो भी रिकमेंडेशन या सिफारिश के पास आती हैं. नाउ द फोर्थ इज we will for the flats before deciding which one will serve our purpose. So four, look up का मतलब मैंने क्या बताया था, किसी चीज़ को खोजना, किसी चीज़ का मिलना. So हम लोग या we will look up for the flats. हम flats को flats को हम ढूंढेंगे या flats हमें मिल जाएंगे, जो कि हमारे जो पर्पज़ हैं, जो हमारा उद्देश्य है उस घर को या फ्लैट को ख़रीदने का, वो पूरा कर देगा. नाउ फिफ्थ इज़ शी विल लुक आफ्टर हर पेरेंट्स वाइल हर सिस्टर इज़ अवे. सो वह अपने पेरेंट्स का ध्यान रखेगी, क्योंकि उसकी जो सिस्टर है वो दूर है. दी अथॉरिटीज़ विल the problem of repeated election failure, right? So here it will be look into. So authorities
बहुत ही नो चीज़ों की जांच पड़ताल करेंगे कि क्यों ऐसी चीज़ें, क्यों इलेक्ट्रिक सिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है वो बार बार आ जा रही है, उसकी प्रॉब्लम्स की जांच पड़ताल यानी लुक इनटू करेंगे. द सिचुएशन वाज सो हॉरिबल, आई हैड टू क्या हो जाएगा, लुक अवे. हमें मतलब इतनी हॉरिबल थी कि हमें वहाँ से जाना पड़ा, लुक अवे, वहाँ से हटना पड़ा, हमें वहाँ से पलटना पड़ा. नाउ एट्थ इज शी विल डैश हर ईमेल टू सी इफ शी कैन फाइंड योर रिक्वेस्ट. सो शी विल लुक आउट हर ईमेल टू सी, यानी सावधानी से अपने यू नो सपोज किसी चीज़ को कोई मैसेज हम ड्रॉप करते हैं या फिर कोई मैसेज हमें देता है तो उसको हम हमेशा अलर्ट एक लगा के रखते हैं, नोटिफिकेशंस ऑन करके रखते हैं, सो दैट हमें जो भी नोटिफिकेशंस या जो भी मैसेजेस आते हैं वो मिलते रहें. तो सेम वेज यहाँ पर हो जाएगा लुक आउट, इट मीन्स किसी चीज़ को पाने की नो ताक में रहना, या फिर आप कह सकते हो सावधानी से किसी चीज़ को का वेट करना किसी चीज़ के आने का. ठीक है, तो वो सावधानी से ईमेल्स को देखती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई रिक्वेस्ट वगैरह आई हो, फिर किसी और की रिक्वेस्ट आई हो. सो दिस वे दिस एक्सरसाइज विल बी डन एंड यू नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड. And if you have any doubt, you can ask me. Even you can do one thing, you can go through all the words into the dictionary yourself properly. Now we'll see the next exercise. This we have already done as children, just for your knowledge I have marked it here. You can pause the video, you can see the correct answer. I remember I gave you this exercise as a homework, so I hope that you all must have done. So if you have not done or if you have done, so just cross check yourself. If you have not done, you can see and you can copy down from it, but try to understand why are they matched with these words, right? They are the similes. ठीक है, and guess how will you do? Here I told you that similes वो होते हैं जिसमें किसी चीज़ को किसी के जैसा किसी की तरह मान लिया जाता है. तो हेयर इफ़ आई सी गोल्ड, गोल्ड कैसा होता है, एज़ गुड एज़. हम कहते हैं किसी इंसान की तुलना करते हैं, कहते हैं सोने जैसा खरा है, सो यानी एज़ गुड एज़ गोल्ड. अब नाइफ क्या हो सकता, सॉरी शार्प क्या हो सकता है, निडल, जो नो सुई होती है, सुई बहुत ही ज़्यादा जस्ट अ मिनट सुई बहुत ज़्यादा वो शार्प होती है, बहुत निकली होती है, कहते नहीं अपनी पेंसिल शार्प कर लो, सो सुई से निकला शार्प कुछ भी नहीं होता है. सो द निडल एज समथिंग इज एज शार्प एज निडल. नेक्स्ट एज टफ एज, सो सबसे टफ क्या होता है, सबसे टफ होती है रॉक. टफ का मतलब बहुत मजबूत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग. तो सबसे टफ क्या होता है, कहते हैं रफ एंड टफ बनो लाइफ में, टू फाइट और टू फेस द चैलेंजेस. एज स्मूथ एज सिल्क, सिल्क कैसा होता है, बहुत स्मूथ होता है. यू कैन इवन अगर एक साड़ी भी सिल्क की होती है, सो इट इज़ सेड कि आप अपने हाथ में पूरी साड़ी रख सकते हो, इट इज़ एज स्मूथ एज, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है. एज स्लो एज, अब सबसे ज़्यादा स्लो क्या होता है, स्नेल. स्नेल हैव यू एवर सीन, जिसको हम घोंघा कहते हैं, जो शंख के अंदर सीप में पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्नेल. हाउ डज इट वॉक, बहुत ही स्लो वॉक करता है. सो इट इज़ टू मच स्लो, इट मीन्स स्नेल से स्लो कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट इज एज लाइट एज, सबसे ज़्यादा लाइट क्या होता है, फैदर. फैदर जो चिड़िया का पंख होता है, बहुत ज़्यादा हल्का होता है, एंड दैट्स वाई जो बर्ड्स होती हैं दे आर इजली एबल टू फ्लाई.
नेक्स्ट इज एज शाइनी एज सिल्वर. सो सिल्वर से ज़्यादा शाइनी कुछ नहीं होता है. एंड द लास्ट वन इज एज सॉलिड एज नेल्स. जो नो नेल्स होती है कील. सो कील से ज़्यादा सॉलिड, मतलब कील बहुत ज़्यादा सॉलिड होती है. दैट्स व्हाई वी यूज टू प्रिक इट इनटू द वॉल. सो दिस इज फॉर टुडे. I hope that you have understood, and again I would repeat that if you have done, just cross check instead of sending me on WhatsApp. Thank you, children. Bye bye.